फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केसर क्रिएशन। आज वापस मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो में मैं आपको ये पुरानी लेस है मेरे पास, उसका रीयूज कैसे करते हैं वो दिखाने वाली हूँ। और इससे मैं एक अच्छी सी यूनिक आइटम बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसे ब्लैक कपड़ा भी लिया है और ये वाली लेस है, और एक जीप ली है और एक ऐसी 1.5 विड्थ की ऐसे मैंने स्ट्रिप ली है। तो हमें इसके तीन पार्ट कर देने हैं। ये जितना है उसमें से हमें तीन सेम टू सेम पार्ट करेंगे इसके। इस तरह से हमें और ये तीन पार्ट को हम इसके एक साइड से लगाएंगे। इसके ऊपर हम ये दूसरे वाला पार्ट लगाएंगे अच्छे से जमाते हुए। तीसरा है उसे भी हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो हमारे पास ये इतना बेस तैयार हो गया। अभी हम यहां से इसे कट करके अलग कर देंगे। चारों साइड सिले लगा देंगे। इस तरह से हमारे पास एक साइड का बेस तैयार हो गया। तो ये देखो, मैंने मिडल से उसको फोल्ड कर दिया। और अभी हमें क्या करना है, यहां से हमें ऐसे थोड़ा 1 इंच का ऐसे यहां से निशान करना है, और यहां से हमें ऐसे राउंड शेप देना है, और यहां से इस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। ऐसे हमें शेप मिलेगा ऐसे, और यही शेप से हमें उसका बैक पार्ट भी निकालना है। तो बैक पार्ट के लिए मैंने ये डबल फोल्ड रखा है, और इसके ऊपर हम ये रखेंगे, और इसी के शेप से हम उसे बैक पार्ट के लिए भी कटिंग कर देंगे। ये हमारा फ्रंट और ये बैक, ऐसे हमारे पास दो पीस रेडी हो गए। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो पट्टी है उसे हमें इसके ऊपर लगाना है यहाँ पे। तो ऐसे अंदर की साइड से ऊपर की साइड हम उसे फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे लाएं। एक ऊपर से
सेम टू सेम यहाँ पे भी हमें ऐसे ही पट्टी लगानी है। अंदर की साइड ऐसे करते हुए हमें फोल्ड करना है। इस तरह से हमारे पास दोनों साइड के फ्रंट और बैक के पीस रेडी हो गए। तो ये देखो मैंने बैक साइड लिए और एक मैंने ऐसे ऊपर स्ट्रिप लगा के 7x5 का एक पॉकेट बनाया है। तो ये बैक साइड के पीछे का ये मैंने सेंटर पॉइंट निकाला है, तो इसका भी सेंटर पॉइंट देखते हुए हम इसे यहाँ पे मिडल में फिट करेंगे और चारों साइड सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा मोड़ते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये हमारा अंदर की साइड का पॉकेट रेडी हो गया। ये बैक साइड है उसकी और अंदर की साइड हमने पॉकेट लगाया है उसका। और ये मैंने उसके हैंडल के लिए 4x18 का मैंने ऐसे स्ट्रिप लिया है पूरा ब्लैक कलर का और उसको हम ऐसे मिडल से एक बार फोल्ड करके निशान करेंगे और उसके बाद वो मिडल वाले निशान पे ऐसे 1 टाइम, ऐसे 2nd टाइम और ऐसे 3rd टाइम इस तरह से फिट करते हुए हमें पूरा हैंडल रेडी करना है। सिलाई और एक सिलाई साइड में से दो सिलाई लगाएंगे हम। और ये वाले हैंडल के हम दो भाग करेंगे तो दोनों साइड एक एक हैंडल लगेंगे। हैंडल लगाने के लिए हमें इसका मिडल पॉइंट निकालना है और यहाँ पे निशान करेंगे और मिडल पॉइंट से 2 इंच ये वाली साइड पे और 2 इंच ये वाली साइड पे ऐसे हम यहाँ पे ये पट्टी छोड़ के नीचे से हम हैंडल लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें हैंडल लगाने है। ये जो निशान किया है वहां से लेते हुए हमें यहाँ तक ऐसे हमें हैंडल लगाने है। तो यहाँ ये वाला यहाँ से ओपन रखेंगे ऐसे हमें दोनों साइड हैंडल लगा के रेडी करने है। तो वो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो मैंने दोनों साइड
ऊपर की साइड हैंडल लगाए ऐसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने हैंडल लगाए दोनों में, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। अभी लास्ट में हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट के बीच में हमें जिप अटैच करनी है। तो यहाँ पे जिप आएगी, एक पार्ट इसके ऊपर लगेगा, एक पार्ट इसके ऊपर लगेगा, तो ऐसे हमें जिप अटैच करनी है। तरह से हमारी जिप अटैच हो गई और अब हम इसको ऐसे करते हुए साइड से सिलाई लगाएंगे। तो ये जो हमारा रनर है उसको हम अंदर की साइड लेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे। और अभी हमें हमारी साइड अच्छे से पैक करनी है। दो सिलाई लगा देंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा। अभी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देंगे। और अब हम ये वाली जिप को ओपन करके पूरी हमारी जो बैग हमने बनाई है उसे पलटी करेंगे। और ऐसे हाथ से ऐसे करते हुए हम उसके कोने को एकदम प्रेस से हमारे एकदम अच्छे से बैग रेडी हो। ये देखो हमारी जिप वाली बैग रेडी हो गई। ये पुराने लेस का मैंने रीयूज करके ये बैग बनाई है। तो ये हमारी फ्रंट साइड, ये बैक साइड, ये उसके हैंडल, ये जिप वाली और अंदर भी हमने एक छोटा सा पॉकेट बनाया है। तो इस तरह से हमारी स्पेसफुल छोटी सी प्यारी सी बैग रेडी हो गई। तो आपके पास भी ऐसी कुछ भी लेस पड़ी है पुरानी तो आप ऐसे रीयूज करके उसका उपयोग कर सकते हो। ऐसी छोटी मोटी कोई भी चीज़ बना सकते हो तो आपका लेस यूज में आ सकेगा। तो ये देखो कितनी प्यारी सी लग रही है बैग। ये उसकी फ्रंट साइड और ये बैक साइड। ना मैंने लाइनिंग लगाया, ना मैंने फोम सीट लगाई, सिर्फ सिंगल फैब्रिक से ही मैंने ये बैग बनाई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वापिस मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।